यार दुनिया में दो जंगें चल रही हैं इस वक्त, एक मोहब्बत की जंग है और एक पैसे की जंग है। मोहब्बत हर शख्स को मिल जाती है लेकिन पैसा हर शख्स को नहीं मिलता, इसकी क्या वजह? मोहब्बत हर शख्स को मिल जाती है, वो मोहब्बत इनको तो है। नहीं मिली। अल्लाह नहीं मिली तो इतनी खूबसूरती बाकी है, जिनको मिली उनको देखी। लेकिन जिसको जिनको सच्ची मोहब्बत मिलती है वो ऐसे हो जाते, चेहरे पे हर टाइम मुस्कुराहट। और सच्ची मोहब्बतें जब टूटती है ना तो फिर इंसान मौलवी पहले बनता है और फिर ऐसा हो जाता है। ये आप गलत बातें कर रहे हैं, अपनी अपनी स्टोरी बताई है, ये गलत तरफ है। अली की स्टोरी का क्रक्स ही है कि हमारे तो एक्सीडेंट्स हुए ना, हमारे तो यानी वो जेन्युइन अली की स्टोरी आज नहीं सुनी, वो बेसिकली दिल टूटा था। अच्छा यार, अच्छा ओरिजिनल क्वेश्चन। लेकिन मैं अपनी जिंदगी में यानी अपनी मोहब्बत को एंजॉय कर अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये बेगम लाजमी दिखाऊंगा, ये लिख रहा है, ये बोले ही नहीं है। जल्दी से जुमला से क्या बोलूंगा जो घर जाके दिखाया जा सकता है, मैं अपनी जिंदगी खुश बना सकता हूँ। सेम सिचुएशन ब्रो, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह। आज आपका बड़ा नॉस्टैल्जिक विजिट था गुलाम इसा खान इंस्टीट्यूट का, अल्हम्दुलिल्लाह। हाउ वाज इट? अमेजिंग यार, अमेजिंग। कैसा फीलिंग है? बहुत वही पुराना यानी कॉरिडोर्स और क्लासरूम्स, वहाँ आज आपने लेक्चर जाके वही जाहिलिया की यादें। एग्जैक्टली, मैंने बात यहाँ से शुरू की, जाहिलिया की यादों से कह रही हूँ। बहुत मजा आया, स्टूडेंट्स बहुत माशाल्लाह वार्म वेलकम दिया उन्होंने, एंड काफी मैंने वाकियात शुगर लगाए उनके साथ, सो दे एंजॉयड अ लॉट अल्हम्दुलिल्लाह। यूथ का जो बड़ा ये जो यूएसपी है ना, यूनिक सेलिंग पॉइंट है, वो ये कि वी टॉक देयर लैंग्वेज एंड यूथ की लैंग्वेज, बिकॉज वी हैव बीन फ्रॉम देम, राइट? हमने यूनिवर्सिटी की लाइफ गुजारी है और हमने वो सब टाइम देखे अल्हम्दुलिल्लाह, सो दे कैन रियली रिलेट टू इट अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ना फीडबैक भी बड़ा मिलता है कि जो डीन है, प्रिंसिपल हैं कॉलेजेस के, यूनिवर्सिटीज के, वो खुद जो है इस चीज़ को एग्री करते हैं, बोलते हैं इतने बच्चों को इकट्ठा करना इट्स नॉट पॉसिबल फॉर अस, लेकिन हम ये देखते हैं कि जब यूथ क्लब सुभान अल्लाह व्हेन देयर मेंबर्स कम, तो इतना जो है माशाल्लाह बड़े गौर से और जो है ना देर वाला ही अल्लाह की तौफीक है। अल्हम्दुलिल्लाह, एग्जैक्टली जी, एग्जैक्टली एग्जैक्टली बिल्कुल। लेकिन आजकल की जो यूथ है जिनके बारे में यानी जो जो मिलेनियल्स हैं या जनरेशन जी है, ठीक है, इनके बारे में क्या ख्याल है? यानी जो हमारा टॉपिक है वो डेफिनेटली बेरोजगारी है और मेहनती है, क्या ख्याल है आपका? मेहनती हैं, हार्ड वर्किंग है, विजन डायरेक्शन वाले हैं? आप भी माशाल्लाह व्हेन वी वर यंग फॉर इंस्टेंस, ठीक है, जब हम बाहर खेलकूद की और जो है चोटें भी लग रही हैं और यू नो इट मेड यू अ बिट यू नो ऑन अ टफर साइड, इट लेफ्ट यू नो कि आप थोड़े से ना यानी टफ बन जाते हैं। लेकिन अब हम देखते हैं वी एज पेरेंट्स, यार हम सॉरी टू से दूसरों की बात नहीं कर रहा हूँ, हम अपने बच्चों को बड़े पैम्पर करते हैं कि यार किसी ने अगर हमारे बच्चे को हाथ भी लगा दिया ना, फिर बच्चा जो है पहले तो अच्छा बच्चे चिल्ड्रन आर वेरी सेंसिटिव, उनको पता कि व्हाट वुड बी द रिएक्शन ऑफ आर पेरेंट्स, हल्की सी उनको जब लग जाती है ना दे क्राई एज ए फॉरन हो क्या तूफान मच गया, और हम जी बेटा कोई बात नहीं मैं देखता हूँ उसका, यानी डिफरेंट फैक्टर्स हैं उसके। मेरे ख्याल में मुझे याद है पहले हम बचपन में साइकिल लेके घर से निकलते थे और पूरे यानी चक्कर लगा रहे हैं पूरे मोहल्ले का, ठीक है, गलियों में जा रहे हैं, पूरा कैंट फिर के आ रहे हैं, इवन जब कैंट में नहीं भी थे। लेकिन अभी सिक्योरिटी कंसर्न इतने ज्यादा हो गया कि मैं अपने बच्चे को अलाउ नहीं करूंगा, सीसीटीवीज लग गए हैं और आप अपने बच्चे को देख एक वजह है नहीं ब्रदर, लेकिन वजह ये कि ये जो बिकम ओवर प्रोटेक्टिव टू बी ऑनेस्ट, यानी देयर इज अ बाउंड्री व्हिच वी हैव टू सी। यार असल में क्राइम्स भी आप देखें ना कितने ज्यादा, खास तौर पे बच्चों वाले जो ये जो बात कर रहे हैं कि घर में भी बच्चों को आप ओवर प्रोटेक्ट करते, आई थिंक उसकी और पता रीजन क्या है कि हम लोग पहले होते थे ढेर सारे सिबलिंग्स, पेरेंट्स ना इतनी ज्यादा इंडिविजुअल अटेंशन एक बच्चे को दे नहीं सकते थे। अब घर में अगर एक बच्चा या दो है ना तो हर बच्चे पे इतना अटेंशन हो रही है और फिर घर में ढेर सारे फर्द हैं, वो सब उस बच्चे को इतना वो अटेंशन और पैम्पर कर रहे होते हैं कि वो बच्चा ऑटोमेटिकली सेंसिटिव बन रहा होता है। यानी आप कह रहे हैं वजारते बहबूद आबादी ने काम किया है बहुत ज्यादा बहुत ज्यादा, और अब बच्चे जो है ना यूजली घरों में कम होते हैं तो वालदैन की टेंशन ज्यादा होती है। देखिए दूसरा ये कि जो सिबलिंग राइवलरी है ना उससे बंदा बड़ा सीखता है, आपके बहन भाई ढेर सारे बहन भाई होंगे ना तो आपस में लड़ भिड़ के पेरेंट्स हर मसला हल कर ही नहीं सकते, आपको खुद ही ये करना पड़ता है और सिबलिंग सीख जाते हैं। अब जब दो लड़े होते हैं पेरेंट्स आके बीच में जल्दी से उसका कर देते हैं, वो भी एक्सपेक्टेशन उनकी पेरेंट्स से ही होती है कि यार ये सेटल कर देंगे। सिंस बचपन में इतनी पैम्परिंग मिली है तो जब वो प्रैक्टिकल लाइफ में आते हैं बिल्कुल तो वो एक्सपेक्ट करते हैं कि यहाँ पे भी हमें बॉस पैम्पर करेगा या यहाँ पे भी लोग हमें वेलकम करें, ओह माशाल्लाह आप आ गए आपकी ये तो ये चेयर मौजूद है, खासकर डिग्री लेके जब आप निकलते हैं निकलते हैं बड़ी आपकी ना सिक्स फिगर सैलरी होगी और लोग बड़ा आपको देंगे, लेकिन जब उनको रिफ्यूजल का सामना करना पड़ता है अब नहीं तो पता ही चलता है कि आपको अब जो गेम है ना आप एक्सपीरियंस की गेम है, अब आपके पांच साल चार साल की डिग्री पूरी होगी। हाँ मुझे अब आप जो करंट जनरेशन उनको पता लग ही नहीं रहा, वो काइंड ऑफ इस चीज से ना एक्सेप्टेंस उसको हो ही नहीं रही, दिस इज समथिंग दैट आपको तो पढ़ाते हैं तो स्किल्स में, क्या ख्याल है आपका?
मैं आई टोटली एग्री के सॉफ्ट हो गए हैं हमारे बच्चे, बल्कि मिसालें हैं मेरे पास. मैं एक यूनिवर्सिटी में लेक्चर दे रहा था तो उसके बाद एक लड़का मेरे पास आया, उसने कहा कि मैं यहाँ यहाँ जॉब कर रहा हूँ तो आई वॉन्ट टू लीव माई जॉब. मैंने कहा रीज़न क्या? उसने कहा कि आई वॉन्ट टू बी अ मोटिवेशनल स्पीकर और मैं भी बात करना चाहता हूँ, मेरे पास बड़ा मवाद है. मैंने उसे क्वेश्चन किया, मैंने कहा कि शादी हुई है? उसने कहा हाँ मेरी एक बेटी है, शादी हुई है. तो मैंने कहा कि ये जो तुम मोटिवेशनल स्पीकर बनने का फैसला कर रहे हो, सिर्फ अपने आप को देखते हुए कर रहे हो या बीवी को, बच्ची को, फैमिली को देखते हुए? उनका क्या तुम करोगे, व्हाट इफ इट डिडंट वर्क? तो ज़रूरी नहीं कि ज़िंदगी में हर चीज़ वो करनी है जो तुम्हें पसंद है. बहुत सी बार ऐसे फैसले लेने पड़ते हैं, ऐसी जगह पे काम करना पड़ता है जो हमें नहीं पसंद. और ये चीज़ लैक, क्योंकि ना मोटिवेशनल स्पीकर मैं समझता हूँ अनफॉर्चुनेटली थोड़ा सा गलत साइड पे यूथ को ले गए. ये क्या कह के फॉलो योर ड्रीम्स, ये एक बड़ा ना, यानी ऑब्जेक्टिव लोगों का फायदा उस तरह से नहीं था, वो बेसिकली एज बिजनेस देख रहा था. हाँ, ऐसे उसको कैरियर ले रहा था, बट मैंने उसे समझाया कि देखो ये बात जो मोटिवेशनल स्पीकर करते हैं ना कि डू व्हाट यू लाइक या फॉलो योर ड्रीम्स, ये थोड़ी सी खोखली बात है. इसको ना जरा स्पेसिफाई करो कि ड्रीम्स अच्छे होते कौन से हैं, और रिस्पॉन्सिबिलिटी की बात पहले करो. मैंने लिटरली ऐसी यूथ देखी है जिन्होंने अपनी अच्छी वेल एस्टेब्लिश जॉब छोड़ दी, मे बी सुस्ती की वजह से या बॉस नहीं पसंद आया या जो भी हो गया, एंड इस ख्वाब से कि हम भी स्पीकर ट्रेनर बनेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, एंड नाउ दे आर डूइंग नथिंग. अब बिल्कुल सही कह रहे हैं, जो मोटिवेशनल स्पीकर्स है ना, ये वाकई मोटिवेट करते थे टू समथिंग व्हिच नोबडी नोज़. देखें आप आके जनरल डायलॉग मार रहे हैं ना, हर बंदे की अपनी अपनी किसी तरफ मोटिवेशन होती है. हाँ, हाँ, ऐसे एक बंदा है वो अच्छी क्रिकेट खेलता है लेकिन वो इतना अच्छा क्रिकेटर है नहीं कि प्रोफेशनल लेवल पे खेल सके. उसको आके क्या फॉलो योर ड्रीम्स, वो क्या मैंने क्रिकेट खेलनी, वो सारी चीज छोड़ क्रिकेट, भाई आपको चेक तो करो कि मैं इस लेवल का हूँ भी सही कि प्रोफेशनल. ऐसे लोग हैं जो कि अजीब अजीब प्रोफेशन इसी तरह मोटिवेशनल स्पीकर को सुन के शुरू हो जाते हैं. आपके सामने अबू साद ने बचपन में सुना था किसी मोटिवेशनल स्पीकर को, जो जी में आए करो, जिम पे शुरू हो गया. आज तक जना जो है रुका नहीं. देखिए आज कितना अभी तक जिम जाई जा रहा, अभी तक वजन पे वजन उठाई जा रहा है यार, रुक ही नहीं रहा यार. एक्चुअली पता क्या, मैं बच्चे जब पढ़ रहे होते हैं ना, स्टूडेंट्स पढ़ रहे हैं, उनको पता नहीं, आई डोंट नो, उनका माइंडसेट ये होता है कि यार हम पढ़ लिख जाएंगे ना, हमारे पास डिग्री आ जाएगी, हमारी सारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएंगी. लेकिन ये लोग भूल जाते हैं, हम सारी जिंदगी थ्योरी पढ़ रहे होते हैं, एंड आई एम टेलिंग यू फॉर द फैक्ट कि जो प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस होता है ना, ये थ्योरी जो है उसको कभी भी मैच नहीं कर सकती. मैं आपको इसकी एग्जांपल बता रहा हूं, यूनिवर्सिटीयों को आग लगा दें. नहीं मैं आपको बता रहा हूँ क्यों. नहीं मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, देखें होता ये है, मैं थोड़ी कंट्रोवर्सी क्रिएट कर रहा हूँ. स्टूडेंट्स के माइंडसेट ये है कि यार हमने अगर पढ़ लिया ना तो डायरेक्टली हमें सीईओ लेवल पे जो है हमें जॉब मिल जाएगी, मैनेजरियल लेवल पे मिल जाएगी वगैरह वगैरह. हालांकि उनको बात करने का तरीका नहीं होता यार, हाउ डू यू स्पीक व्हेन यू आर सिटिंग विद द पीपल, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह. ये तो सिर्फ आपने एक स्किल की बात की, और आपको मैं बताऊं होता ये कि वो फिर जब आते हैं ना, उनको जब वो जहाँ पे यानी इंटरव्यू देने के लिए जाते हैं ना, बात करने का तरीका है अच्छा, जॉब प्रोबेशन पीरियड पे रख भी दिया, काम करना नहीं आ रहा, क्योंकि देखिए वो तो उन्होंने थ्योरी पढ़ी है, अभी उनको प्रैक्टिकल करना पड़ रहा है, तो दे फेल. अब जब वो उनको थोड़ा बहुत जब ब्रेक लगती है ना, दे थिंक यार हमें तो फिर वो बड़ा मसला है. दुनिया भी बहुत चेंज हुई हो, आप देखें मेरे वाले साहब ने गधे पे ट्रैवल किया है, ठीक है, और फेस टाइम पे अपनी बेटी से थाउजेंड्स ऑफ किलोमीटर पे बात भी की है, ठीक है, तो उन्हें बहुत बहुत ज़्यादा शिफ्ट देखा. लाइफ वॉजन दैट ईजी ऑलवेज, आदम अलैहिस्सलाम से लेके हमारे वाले साहब की जनरेशन तक, आपको मेहनत मजदूरी करनी पड़ती थी, हंट करना पड़ता था, वो सब फिजिकली गोइंग आउट एंड एफर्ट करनी पड़ती थी. जब ये इंफॉर्मेशन एज आई है और ये टेक्नोलॉजी का दौर आया है, अब गाड़ियाँ आ गई हैं, अब लग्जरीज आ गई हैं, अब चीज़ें बहुत आसान हो, कुकिंग वीडियोस बना के आप पैसे कमा सकते हैं. तो व्हेन दे सॉ दिस ना, तो अच्छा, और पेरेंट्स ने मुझे सोचा कि बेटा मेहनत करनी है तूने, पेरेंट्स के लिए भी एक नई चीज़ थी डेफिनेटली, ठीक है. तो मेंटोरशिप की कमी है बहुत ज़्यादा आजकल के दौर में, पेरेंट्स से मेंटोरशिप नहीं दे सके बिकॉज दे एग्जैक्टली डोंट नो कि क्या चल रहा है, जहाँ की यानी हवा चली वहाँ डिग्री सब, अच्छा डिग्री करें, बच्चे को डिग्री कराओ, मेरा बेटा आजकल पढ़ रहा है. अच्छा, जिसका बेटा आजकल नहीं पढ़ा उसके लिए बड़ा इशू है, हालांकि वो चाहे टॉप स्किल्स सीख रहा हो, चाहे वो अपने सेल्फ डेवलपमेंट में बहुत काम कर रहा हो, चाहे वो यू नो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस गेन कर रहा हो मार्केट में, लेकिन सिंस इस सब की वजह से ना हमारे जो यूथ है लग्जरीज का शिकार हो गए हैं. यानी वो देख रहे हैं यार, गेमर्स हजारों लाखों कमा रहे हैं, ऐप डेवलपर्स कमा रहे हैं, तो हम भी आराम से बैठ के पैसे कमा सकते हैं, लेकिन सैचुरेशन मार्केट बहुत. लेकिन इससे तो बेरोजगारी कम नहीं होनी चाहिए थी, नाउ दैट वी हैव मोर अपॉर्चुनिटीज कि हम जिससे पैसे कमा सकते हैं, तो बेरोजगारी तो कम होनी चाहिए. लेकिन
एक लग्जूरियस एटीट्यूड पैदा हो गया, डिफीटियस एटीट्यूड पैदा हो गया हमारे अंदर कि हम मेहनत किए बगैर भी, क्योंकि हर बंदे के पास तो वो स्किल्स नहीं है ना जैसे। अच्छा देखें, कुछ लोग हैं जो मेहनत कर रहे हैं, मतलब इफ़ यू सी अ स्टडी, मैंने एक स्टडी देखी उसमें पिछले 3 सालों में 15.5 लाख के करीब लोग जो हैं पाकिस्तानी, दे मूव्ड आउट, मतलब वो करीम जिनको स्किल आता है या यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, वो बजाय एडिंग वैल्यू टू द प्रोग्रेस ऑफ पाकिस्तान, दे मूव्ड आउट ऑफ पाकिस्तान इन हंट ऑफ मनी। व्हाट वुड यू से नाउ? लिटरली मैं ये प्रैक्टिकल एग्जांपल देता हूँ, मैं जो भी लेट्स से स्टूडेंट्स अभी पढ़ के निकले हैं ना, आई टोल्ड द सेम, यू नो आई गेव दिस एडवाइस टू माई ब्रदर एज वेल। मैंने कहा यार एक काम करो, देखो तुमने अभी पढ़ लिया है, 10 कंपनीज अगर फॉर एग्जाम्पल इफ यू आर सीकिंग अ जॉब पर्टिकुलरली, अभी मैं बिजनेस की बात नहीं कर रहा हूँ, 10 कंपनीज को जो टॉप कंपनीज है ना पाकिस्तान के, लेट से बात कर लेते हैं, उनको शॉर्टलिस्ट करो और लेट से आपको इंटरव्यू का मौका मिलता है और आप जो है वहाँ पे जाते हो इंटरव्यू देने के लिए। किसी भी कंपनी में अगर आपकी जॉब लेट से प्रोबेशन पीरियड लग गया वगैरह वगैरह, आई से टू देम यार उनको बोलो आई डोंट नीड एनी सैलरी फॉर 3 months, 2 months, 1 month, आई जस्ट वर्क फ्री फॉर यू एज अ कॉम्प्लीमेंट, माई वर्क विल डिटर्मिन वॉट शुड बी माई सैलरी। एक्चुअली नाउ आई एम टेलिंग यू बींग अ बॉस, अगर मैं फॉर एग्जाम्पल मेरे से अगर कोई आता है ना इम्प्लॉय जॉब इंटरव्यू करने के लिए, जब वो मेरे सामने अपने डिमांड्स रखता है ना, आई टेक अ यू नो स्टेप बैक, मैं बोलता हूँ नहीं यार ये बड़ा पिक एंड चूजी बंदा है, इसने कंपनी को क्या फायदा देना, ये तो डे फर्स्ट से ही अपने बारे में सोच रहे हैं। ये बॉस का एटीट्यूड होता है। वैसे तो इस चीज़ को अक्सर जो एम्प्लॉयर्स होते हैं वो पॉजिटिव भी लेते हैं कि बंदा जो है इसकी जरूरत है पैसा जो है, नहीं तो इसका मतलब है ये काम करेगा। वो बात तब होती जब कोई हायर लेवल का लेट्स से गूगल का सीईओ आया बोलता है यार मैं आपके पास जॉब करूंगा, मैं आप ही कंपनी को यहां तक ले जाऊंगा, दैट इज समथिंग एल्स। नहीं गूगल के सीईओ के पास कोई आए, ये कहना चाह रहे हैं नहीं वो आपके पास आए, गूगल का सीईओ अगर मेरे पास होता है। एक फैक्टर है, मुझे सॉरी मैं आपकी बात में ऐड कर दूं कि एक फैक्टर ये देखने वाला है कि चूंकि ना यूथ बहुत मेलाइन हुए हैं, एक्सप्लॉइट हुए हैं अपने बॉस से, एम्प्लॉयर्स से, तो नाउ दे हैव बिकम ओवर कॉशियस कि वी शुड सेट कंडीशंस, वी शुड गो विद प्रॉपर प्लान एटीट्यूड के साथ। हाँ एटीट्यूड के साथ, बिकॉज हमारे पास यूथ आके शिकायत करते हैं कि जी बॉस ने हमसे, हमें तो ये काम जेडी में था ही नहीं लेकिन करवाने लग गए, तो वो पहले से ना ट्रेन करते हैं अपने जूनियर्स को कि अब तुम जब जाओ ना तो सेट कंडीशंस रखना। इस टोन में बात, बड़े बड़े कॉर्पोरेट्स भी, यूनिलीवर में मेरा दोस्त था सुभान अल्लाह, उसका बॉस कहता था कि यार वो पानी लेके आ, पिला पानी पिला, ठीक है अब यूनिलीवर इज अ बिग कंपनी राइट, लेकिन ऐसे लोग एक्सप्लॉइट करते हैं यार इसमें वैसे हद तक तो नहीं होनी चाहिए कि अगर मतलब क्या, अगर आप एक होता प्यार मोहब्बत रिश्ता, हाँ एक होता है कि बेटा ऑर्डर मुझे पानी, एक है बॉस वो अलग है वो, हां इसमें इसको ना हम किसी एक चीज पर आई थिंक पिन पॉइंट करना इज नॉट वोंट बी फेयर ना, क्योंकि हर कंपनी हर इलाके और विद टाइम चीजें बहुत तेजी से बदल रही होती हैं, तो हर बंदे का जो अपना ذاتی एक्सपीरियंस डज नॉट मीन कि वो हर जगह अप्लाई करेगा। अब जो लोग इस वक्त कुछ लोग हैं जो कि इंटरव्यूज के लिए जब जॉब्स के लिए जा रहे हैं ना, हाँ बहुत तैयारी करके जाते हैं जी, बड़ी मेहनत करते हैं, एंड देयर इज दिस ग्रुप जो कि हाईली अनप्रोफेशनल है, मतलब देयर पीपल जो कि आई नो, मुझे खुद बताया कुछ लोगों ने, बड़ी बड़ी टेलीकोज या बड़ी बड़ी अच्छी कंपनीज में जब उनको इंटरव्यू कॉल होती है वो भूल जाते हैं, टाइम पर नहीं पहुँचते। अच्छा ये जो इतनी वेरिएशन है ना, ये पहले नहीं थी, पहले अगर आप 15-20 साल 25 साल पहले चले जाए ना, ये हो नहीं सकता था कि किसी बंदे को इंटरव्यू की कॉल है और वो सूटेड बूटेड होके ना जाए, मतलब दैट वुड बी मैडनेस। बढ़ती हुई ट्रैफिक की वजह से तो नहीं ऐसा, अल्लाह जाने बढ़ती हुई ट्रैफिक या बढ़ती है, असल में आई थिंक इट्स मोर टू डू विद जो इतना कुछ इस वक्त फीड हो रहा है ना, पीपल आर सीइंग सो मेनी डिफरेंट थिंग्स। मैंने पता बढ़ती हुई ट्रैफिक का खुरम मैंने इसलिए कहा कि बैक इन द डेज आई यूज्ड टू वर्क एट ए हॉस्पिटल, पता है, और मैं जितना भी टाइम शुरू में सुबह में रख लेता था ना, तो वो जो रास्ता था ना कि सारे लोग उसी रोड को, अकेली रोड को ऑफिस के लिए इस्तेमाल कर रहे होते थे, और वहीं पे बीच में राउट भी लग रहा है, यू नो डिफरेंट पता नहीं कौन सा टाइम था, तो मैंने जितनी भी कोशिश कर ली ना वो थोड़ा बहुत 15 मिनट ऊपर आगे पीछे होते थे, और इसकी वजह से ठग करके वो सैलरी काटा करते थे, आपको पता है एवरी सिंगल डे वेरी फ्रस्ट्रेटिंग। मेहनत ना करना, इवन आप मैं हर ये हम ना देखें जो भी सुन रहे हैं वो हम जनरलाइज नहीं कर रहे, हर बंदा ऐसा नहीं है ऑब्वियसली, आप गवर्नमेंट सेक्टर्स देख लें हमारे, वो ना काम करने की सैलरी लेते हैं और काम करने की रिश्वत लेते हैं, ठीक है बैठे हैं चिल कर रहे हैं, ना काम करने की भी रिश्वत है नाम का निकल, यस एग्जैक्टली। और हमारा जो प्राइवेट सेक्टर है, हमारा जो इंडोनेशिया यानी जो इंडो पाक है ना, इसमें एक एटीट्यूड बन गया कि यार कम से कम मेहनत करके
ज्यादा ज्यादा पैसा जो नेचर में है। खुरम की बात में मैं ऐड कर दूं, बड़ा अच्छा पॉइंट था कि मेरे पास एक केमिकल इंजीनियर आया, तो काफ़ी अरसे से बेचारा अनएम्प्लॉयड था, बेरोजगार तकरीबन 2.5 साल से। तो मैंने उससे पूछा आपने इस पीरियड में क्या किया, उसने कहा मैंने पहले ये फलानी चीज़ का बिजनेस शुरू किया, वो नहीं चला, फेल हो गया, मैंने ट्यूशन्स भी पढ़ाई हैं, मैंने ये भी किया वो भी किया। उसने 5-6 चीज़ें बोली, मैंने कहा कि नहीं, सब में मुझे केमिकल इंजीनियरिंग का ना कोई डिप्लोमा ना सर्टिफिकेशन ना कोई फर्दर चीज़ नज़र आ रही है। तो व्हाट डू यू एक्सपेक्ट कि आप अपनी तो चीज़ें भी भूल चुके होगे, आप इंटरव्यूज़ पता नहीं आपने कितने दिए, आपने उस डायरेक्शन में फोकस्ड होके काम ही नहीं किया, तो फिर आप शिकायत कर रहे हो कि मेरी जॉब नहीं लग रही, मेरे इंटरव्यूज़ नहीं अच्छे होते हैं। इतनी चीज़ों में आपने टांग अड़ा दिया, जो आपने बात की ना, इतना कुछ चल रहा है, यूथ कहते हैं कभी ये बिजनेस कर लेते हैं, फिर कैसे देखें। ही वॉन्टेड टू अर्न, मे बी हो सकता है कि उसका फैमिली प्रेशर हो, इसलिए ना उसका जो फोकस था ना वो करियर से हटके पैसा कमाना बन गया। असल में इसमें ना मैं ये चीज़ कहूँगा कि शायद जरूरी नहीं है, देखिए एक बंदा जब बेरोजगार होता है ना वो इमीडिएटली उसको होता है कुछ तो करूँ, लेकिन मेन जो इशू हमारे और जो पुराने लोगों में था ना वो ये कि पहले लोग एक तो इमीडिएट रिवॉर्ड्स मिलते नहीं थे आपको, टाइम बाद ही एवरीथिंग वो स्लो, अब बहुत तेज़ है ना, आप ओवरनाइट ये सुनते हैं किसी ने यूट्यूब चैनल बनाया, एक वीडियो वायरल हुई, महीने बाद कमाना शुरू हो गया। सो पीपल आर लुकिंग फॉर दैट शॉर्टकट्स, और वो एक जगह नहीं चलते ना, वो कहते हैं यार इधर मैंने इंतजार नहीं करना, अगली चीज़ पे चलो, उससे अगली चीज़ पे चलो। पहले ये था कि एक चीज़ पे लगे रहते थे, अगर एक फील्ड पकड़ी है ना, yes. अगर उसमें डिप भी आ रहा हो कहते कोई बात नहीं, लगे रहो इसी में, लगे कीप वर्किंग। किसी छोटी कंपनी में जॉब मिलती है वहाँ घुस जाओ, कम सैलरी मिलती है, 2 साल कम सैलरी पर गुजारा कर लेंगे, तीसरे साल कहीं बेहतर जंप आ जाए। एंड पीपल डोंट इवन स्विच। आई नो समवन जो कि अभी मुझे रिसेंटली बता रहे थे, ही इज़ वेरी अनहैप्पी विद दिस जॉब, लेकिन कह रहे यार मैंने अभी साल हुआ मुझे करते हुए, सो आई विल स्टिक टू इट फॉर अनदर ईयर, ताकि मेरे वो पेशेंस। मेरे पास मिसालें हैं इंजीनियर्स की, जीके के इंजीनियर्स मेरे दोस्त एंग्रो में जब लगे थे, 40,000-35,000 एंग्रो की मैं बात कर रहा हूँ, आज 6-6, 7-7 लाख तनख्वाह। आप लोग सारे सब डिग्री जॉब ने की है, ठीक है, ये सोनो में बताएं उसके रिलेटेड जॉब कर रहे हैं या नहीं आप? नहीं, ऑब्वियसली मैं तो टीचर जॉब भी नहीं कर रहा ब्रो, आई एम डूइंग बिजनेस और मैं बड़ा खुश हूं जो मैंने, लेकिन आप डिग्री जॉब पे पढ़ा है उसके मुताबिक आप क्लियर हम ब्रो, आई स्टडी बिजनेस। और आप? नहीं, मैं भी नहीं डिग्री को आग लगा दो सर। नहीं, बड़ा सवाल ये है मेरे ज़हन में, बड़ा सवाल है जिससे मैं समझता हूं कि हमें आगे लेके जाना चाहिए बात को, वो ये है कि क्या पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज कम हैं या नहीं? एक तरफ बढ़ती हुई आबादी आपके पास, ठीक है, और दूसरी तरफ उसके हवाले से प्लानिंग नहीं है, फैक्ट्री ज्यादा नहीं लगाई जा रही है। इसमें ना इसमें काफी फैक्टर्स, और मैं आपको बताऊं इसमें गवर्नमेंटल लेवल तक से शुरू होती है बात। जैसे अभी बात हुई थी ना कि हमारे जो गवर्नमेंटल सेक्टर्स हैं वहां पे सुभान अल्लाह, आई मीन ये कोट एंड कोट, जब आप जाते हैं ना तो जो बंदे वहां पे बैठे होते हैं ना सीट पे, ब्रो लिटरली फॉर एग्जांपल अगर मैं आपको किसी रियल एस्टेट की अगर बात की जाए, आप यकीन कीजिएगा उनका कोई भी जो एक बंदा था, आई जब उनसे आप बात करेंगे ना आपको पता चल जाएगा कि यार इस कैलिबर का नहीं है बंदा। इमेजिन करें जितने भी हमारी क्रीम बाहर उठ के जा रही है ना, इन्हीं को अगर इन सीट्स पे बिठाया जाए ना, यू सी द चेंज। और ये काम अपने हिसाब से कर रहे हैं, और आप देखेंगे हमारे भी जो इदारे या फिर वो जो है वो भी करेंगे प्रॉस्पर। इस बात की बहुत सारी बड़ी वजह आप लोग ये नहीं समझते कि हमारा जो मेन फोकस है अपने बच्चों को डायरेक्शन देना वो हमेशा डॉक्टर इंजीनियर ही रहा है, इससे बढ़ के आगे हम उन्हें कोई डायरेक्शन नहीं देते। गवर्नमेंट जॉब करनी है तो बड़ा प्रेशर पे से हमारी फैमिली में सारों का था जी आपने आर्मी इंजीनियरिंग डॉक्टर ये ऑप्शन थी, मैंने इंजीनियरिंग इसलिए की, बोला था इकोनॉमिक्स पढ़ता है इकोनॉमी वो उसको हम कहते हैं ये, इसको और कुछ नहीं मिला तो इसको इसमें लगा दिया। असल में इसका ताल्लुक थर्ड वर्ल्ड कंट्री होने से है, आप इंडिया का हाल देख लें वहाँ भी ये है, आप जितनी थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज है अफ्रीकन कंट्रीज में इंजीनियर डॉक्टर लॉयर ये चीज़ें चलती हैं, क्योंकि वो इंप्रेशन ये बना हुआ है कि इनको पैसे मिलते। तो आई थिंक जो आपने बात की ना जॉब, ये जो पाकिस्तान में अपॉर्चुनिटीज हैं या नहीं है, ठीक है, कहते हैं ना कि ज़रूरत ईजाद की माँ है और नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन। मैं आपसे पूछता हूँ ज़रूरत की माँ कौन है? जी बताएं, क्या मुश्किल सवाल पूछ रहे हैं आप, मतलब नीड इज़ द मदर ऑफ इन्वेंशन राइट, नीड की माँ कौन है, ज़रूरत की माँ कौन है? प्रॉब्लम, प्रॉब्लम प्रॉब्लम्स
जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो अपॉर्चुनिटीज आती हैं, जो अपॉर्चुनिटीज होती हैं तो फिर इन्वेंशंस होती हैं। देखिए जब प्रॉब्लम्स होती हैं तो जरूरत होती है, और जब जरूरत होती है तो इजाजत होती है। हर प्रॉब्लम अपने अंदर ना एक बिजनेस लिए हुए, एक बिजनेस लिए हुए। एग्जैक्टली एग्जैक्टली क्या बिजली का मसला है? नहीं है पाकिस्तान में, पाकिस्तान में बिजली का मसला है। मेरे जो वाइफ के मामू है ना, यानी इन द सेम आप ब्रेथ आप कह रहे हैं कि जितनी प्रॉब्लम्स है उसके साथ अपॉर्चुनिटीज भी हैं। मेरे जो वाइफ के मामू है मतलब वो यूपीएस का बिजनेस करते हैं। अच्छा, ठीक है, चाइना से इम्पोर्ट करते थे, ठीक है, मल्टीपल उनने इदारों को और वो बेचे। ही इज अर्निंग माशाल्लाह वेरी नाइस। जो सोलर सिस्टम भी जो आए हैं वो भी बड़े इन हुए हैं अब तो। मैंने अपने घर में प्रॉब्लम और उसके देखे वो प्रॉब्लम बिजली का ना होना था ना, मैंने भी अपने घर में सोलर सिस्टम लगवाया पूरा सिस्टम। एग्जैक्ट, एंड आई रिग्रेट के पहले क्यों लगवाया। एग्जैक्ट, क्योंकि वो फरवरी में लास्ट ईयर हम आज ही बिल देखते हैं, मेरे फादर 52,000 गैस का बिल था सिर्फ, ठीक है, सिर्फ गैस का। और इस दफ़ा अभी जनवरी में सिर्फ 6,000 यानी बिजली का बिल सिर्फ 6,000 आया, पहले जनवरी बहुत ज़्यादा था बिजली का बिल, ठीक है। सो बात यह कि इवन ये मच्छर देख ले आप, मच्छर इज़ अ प्रॉब्लम, राइट। आप डिवॉटसन शाहीन कैमेज पे चले जाएँ, आप अल्फ़ता चले जाएँ, इम्तियाज पे चले जाएँ, मुख्तलिफ रैक्स लगे होते हैं मॉर्टिन्स के, स्प्रेज मैट्स कॉइल्स पड़े हुए हैं, ठीक है। आप करीम क्या है, वट इज़ करीम? करीम है उबर। इट वॉज अ प्रॉब्लम के लोग रिस्पेक्टेबल लोग घर से निकल के टैक्सी के पास नहीं जा पाते थे। वो एक प्रॉब्लम का बड़े बड़े प्रॉब्लम है। बताऊँ आप, ये लोग कहेंगे यार करीम इतना बड़ा बिजनेस, बट मैं आपको छोटे छोटे एवरी पर्सन जो इंडिविजुअल होता है ना, जब मेरा अपना जाती ओपिनियन ये है कि जब मैंने भी अपना फुटबॉल का भी काम शुरू किया ना, तो मैं देखता था वन थिंग जो कि जिसमें मेरा स्किल सेट है, जिसमें मेरी नॉलेज है। नंबर टू, देर इज अपॉर्चुनिटी आउट देर। अगर ये दो तीन चीज़ें और मैं कितना, और ये मेरा जाती था कि हाउ मच देर इज ईज ऑफ डूइंग द बिजनेस। कोई लंबा चौड़ा गवर्नमेंट के से इजाजतें लेना, गवर्नमेंट के इदारों से ऐसा खप नहीं है, तो लेट्स डू दिस ना। और देर वॉज एन अपॉर्चुनिटी ऑलरेडी, क्योंकि बहुत सारे लोग डिमांड कर रहे थे कि ऐसी अपॉर्चुनिटी हो, बिल्कुल, तो वो चीज़ बंदा करे। और इसी तरह अगर आप नोट करें, बड़े छोटे छोटे मसाइल होते हैं। एयर लिफ्ट देख लें भी आप, एयर लिफ्ट कहता हूँ कि आपका घर, आई डोंट वांट टू गो आउट फ्रॉम माय होम टू डू ग्रोसरी, और मेरे पास अगर घर पे आ जाए विद डिस्काउंट्स और विद एवरीथिंग, तो मैं क्यों नहीं करूंगा। सो एयर लिफ्ट कितना सक्सेसफुल हो रहा है। आप तो छोटे बिजनेस, हमें घर पे, हमें घर पे मासी नहीं मिलती, हमें घर पे अच्छा इलेक्ट्रिशियन आपको मिलता आसानी से? नहीं मिलता। प्लम्बर मिलते हैं? नहीं मिलता। एप्लीकेशंस बन गई हैं सुकून के नाम से, मतलब उसके नाम से, जो कि आप बुक करें आपको वो आ जाता है। तो इसके लिए, इन तमाम चीजों के लिए, मतलब देखें, प्रॉब्लम आया, प्रॉब्लम से आपके पास अपॉर्चुनिटी है कि आप बिजनेस करें, लेकिन फॉर दैट यू नीड टू हैव स्किल। स्किल आप कहाँ से लेंगे? आपको बहुत सारी चीजें रिक्वायर्ड है, आपको स्किल रिक्वायर्ड है, आपको आइडियली सम सॉर्ट ऑफ एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है। आई थिंक स्किल लेना आजकल बड़ा इजी है, यू नो, खास तौर पे YouTube से, यू नो, ट्यूटोरियल्स हैं, लर्न प्रीटी मच। अब देखिए फॉर एग्जांपल, आपने किया बल्कि अपना बताया ना, वाईसी में प्रॉब्लम थी, ग्राफिक डिजाइनर्स हमारे पास नहीं थे, ठीक है, हालांकि आप हैं फार्मासिस्ट, ठीक है, आप मतलब आई हैड दिस नेचुरल इंक्लिनेशन टुवर्ड्स मतलब डिजाइनिंग वगैरह, लेकिन आई नेवर मतलब वेंचर्ड एनीथिंग लाइक दैट। हां, तो आपने देखें वो, हां, आई इन्वेस्टेड इनटू इट, ट्राइड आउट। इसीलिए मैंने आपको बताया ना कि देखें, आप किसी बड़ी कंपनी में जाते हैं, जो मैंने बहुत बात की ना कि 2 से 3 महीने आप प्रोबेशन पे काम करें और बोले यार आपको, अगर आपका दिल करता है मुझे कोई आप जो है सैलरी ना दें, एटलीस्ट आप वहां पे एक्सपीरियंस हासिल करते हैं। दिस इज ऑल व्हाट यू नीड। इसमें लर्निंग जो है ना, और ये स्किल्स का प्रोसेस ऐसे ही आएगा। आप जब तक काम ही ना करेंगे, आपको स्किल्स नहीं आने लगे। असल में मुझे असल प्रॉब्लम ये है ना कि अब स्किल सीखने में ना टाइम लगता है, एफर्ट लगती है, मेहनत, ये जो मेहनत नहीं आ रही वो हमने लगा दी थी डिग्री हासिल करने में। तो अब क्या, जो हमारा पीक का टाइम था, इस वक्त एक बंदा मुझे बताया आपसे सवाल है, एक बंदा इस वक्त 22 साल का है, डिग्री उसने कर ली बड़ी अच्छी जगह से, अब उसको बड़ी 25,000 की नौकरी मिल रही है। वो कह रहा है यार मैं तो लाखों रुपए लगा, मैंने, और उसका लिविंग स्टैंडर्ड इससे ऊपर का है। वो छोटी रूम, वो सबसे पहले मैं समझता हूं कि अपना स्वॉट एनालिसिस करें कि मेरे में स्ट्रेंथ्स क्या है, मेरी वीकनेसेस क्या है, मार्केट में अपॉर्चुनिटीज क्या है, ठीक है, थ्रेट्स क्या है सारे वो अपने देखे, मैं क्या नीश है मेरी। और अब वो कहते हैं ना, इफ यू मेक योर पैशन योर प्रोफेशन, यू विल नॉट हैव टू वर्क अ सिंगल इन योर लाइफ। हमने दावत का जो काम था, यानी इट वाज नेवर अ फुल टाइम जॉब उस तरह से, ठीक है, हमने देखा कि यार हमारा पैशन था दीन के फैलाना, ठीक है, वाईसी के द्वारा था, गैप मार्केट में था, कोई दीन की बात नहीं कर रहा, हमने काम चूज कर लिया। ऐसे कि डिफरेंट लोग हैं, जैसे करीम है, ऊबर है, ये एयरलिफ्ट हम एग्जाम्पल्स दें, ये सब चीज़ें हैं। तो गैप देखे मार्केट में क्या है। अच्छा, वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन इज वी डोंट हैव मेंटर्स। हम मेंटर्स अपने इख्तियार ही नहीं करते। वफाउ का कुल इल्म अलीम, हर इल्म के ऊपर इल्म वाला होता है। इन्वेस्ट ऑन मेंटर्स, और मेंटर वो है जो आपको टाइम दे, वो थाउजेंड्स ऑफ बुक्स को ना, सेल्फ हेल्प बुक्स को,
एक स्टेटमेंट समराइज करके आपको बता देता हूं। आप मेंटर्स को ढूंढना भी बड़ा जरूरी है, क्योंकि हमारे यहाँ पे जो आप शुरू में बात कर रहे थे मोटिवेशनल स्पीकर डेरो डेर फेर रहे, उनको अगर गलत किसी बंदे को मेंटर बना लिए देन आप योर मेंटर शुड नेवर बी अ क्रेजी मनी मैनियक। यार यूट्यूबर के ना बहुत सारे यूट्यूबर्स आपको एज मेंटर्स मिलेंगे, नाइस सेटअप, नाइस एंबियंस, माइक, और उनको अल्लाह ताला ने स्किल दिया बोलने का, तो दे बिकम मेंटर्स। और दूसरी बात ना, इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। कौन थे, आई थिंक बल्कि शेख तौफीक चौधरी एक दफा आए हुए थे, एंड ही वॉज लाइक के हम लोग जितना कपड़ों जूतों पे स्पेंड करते हैं ना, कहते हैं व्हाट्स योर मंथली बजट ऑन एजुकेशन, आपका जाति, एंड ही सेड के आप इस वक्त तो इतना आसान है, कुछ आपसे मुराद उनका डिग्री नहीं थी, यानी डिग्री नहीं थी, वो कह रहे थे कि ये लर्निंग करते स्किल सीख से, आपने साइकोलॉजी का कोर्स करना आप कर सकते हैं, आपने सीबीटी पे कोर्स करना आप कर सकते हैं, आपने गार्डनिंग सीखनी यार आप सीख सकते हैं, मतलब हर दुनिया के टॉपिक पे आप जाए, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं जहां से एनी स्किल जो आप सीखना चाहते हैं आपने करना है, और महंगी भी नहीं है, मतलब अब तो $10 $20 $50 के भी कोर्सेज है, मतलब समथिंग दैट यू शुड इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। हम जाके $10 क्या, $2,000 के हम जाके एक टी शर्ट खरीद के आ जाते हैं या पजामा ले लेते हैं, यार आप एक महीने का कोर्स उठाएं $2,000 का एंड यू इन्वेस्ट ऑन योरसेल्फ। एक बड़ा इवेंट सवाल करता हूँ आपसे, जॉब या एंटरप्रेन्योरशिप? ऑब्वियसली एंटरप्रेन्योरशिप, ऑब्वियसली पर्सनली तो एंटरप्रेन्योरशिप, बट हैविंग सेड दैट आई थिंक हर किसी के लिए, हर बंदे के लिए जरूरी भी नहीं है और हर बंदा कर भी सकता है। सारे एंटरप्रेन्योर अल्हम्दुलिल्लाह आई हैव बीन ब्लेस्ड इनफ। मैं आपको बताऊं, जैसे आपने मेंटर की बात की थी ना, वल्लाही आई यू नो आई फाइंड माय फादर एज अ मेंटर फॉर मी, माशाल्लाह। बचपन से अल्हम्दुलिल्लाह, यकीन करें मैं आपको बताऊं, आई वाज जब मैंने प्रॉपर काम संभाला ना अब्बा जी का, आई वाज आई थिंक इन अर्ली 20s, 21-22 साल का, और अल्हम्दुलिल्लाह आर कंपनी वाज यू नो टॉप 3 कंपनीज इन द मिडिल ईस्ट, कंप्लीट मिडिल ईस्ट, और अल्हम्दुलिल्लाह आई वाज मैनेजिंग अप्रोक्सीमेटली 150 मिलियन रुपीस के आपका जो एनुअल टर्नओवर था ना, अल्हम्दुलिल्लाह इट वाज ऑन माय शोल्डर। उसमें अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा ब्रो आपको ना बड़ा एक वो मिलता है, हौसला मिलता है कि यार आई कैन डू इट, एंड यू यूज्ड टू कैंसिल सो मेनी कार्ड्स क्वाइट सीरियसली फ्रीली, और मिलियन मैन ऑन माय शोल्डर, लिंगर ऑन कर सकते हैं 2 घंटे के लिए, यू कैंसिल अ कार्ड एवरी सिंगल मिनट। पिछले 3 पॉडकास्ट से ना आपने कैंसिल बोला, अब आप बताओ, समबडी नीड्स टू एक्सप्लेन व्हाट इज एक्चुअली कैंसिलिंग अ कार्ड, प्लीज जी। यार गाड़ी ना मैं दुबई में था और मैंने यार ये गाड़ी चलाई और बहुत सारी गाड़ियां कैंसिल की हैं, और फिर वो गाड़ी कैंसिल की और वो गाड़ी कैंसिल की, मेरा सो ही स्टार्टेड लुकिंग एट, हम आपस में देख रहे हैं क्या कैंसिल क्या होता है, तो सारे स्टूडियो खत्म हो गई ना, तो हमने कहा यार साहब कैंसिल क्या होता है, तो अब साथ डायरेक्टर ने कहा यार गाड़ी मतलब मैंने टोटल कर दी, खत्म कर दी थी, और मैं अल्लाह ने मुझे बचा लिया, सो वो जो अभी तक जिंदा है। एक्चुअली बहुत सारी टर्म्स है ना, मैं वो जैसे खली वली वगैरह ऐसे करते हैं ना, तो वो यू नो आई एम यूज्ड टू इट, तो वो यूज करना पड़ता है। अच्छा मैं बता ही रहा था, देखें अगर आप पर्सनली मुझसे पूछेंगे ना, आई प्रेफर बिजनेस, और आप यकीन करें मेरे अब्बा जी इतने नाराज़ होते ना, ही सेड बेटा रेडी डाल लो लेकिन किसी के नीचे काम नहीं करना, ही इज़ ऑफ यू नो ऑफ दैट नेचर। अब देखें जॉब की जब बात हो रही थी ना, आपको उसमें कॉम्प्लिकेशंस मिलेंगी, पॉलिटिक्स होती है इंटरनल कंपनी में किसी में भी, जैसे आपने पानी की बात की, पानी लेके आओ और ये करो वो करो, लेग पुलिंग वगैरह हो रही है, तो बेस्ट थिंग इज़ दैट, और मैं भी इस चीज़ को एग्री करता हूँ, आई बिलीव बिजनेस जो है ना कोई और चीज नहीं है। वही मेरी अभी अब्बा जी के बाद में अभी मुझे, मैं सोचता हूँ कि यार वाकई बोलते हैं बेटा रेडी लगा लो, तुम्हें जो मर्जी आ रहा, यू टेकिंग दैट पर्टिकुलर इनकम टू योर हाउस। ऐसा नहीं है कि जब आप कंपनी में आप काम कर रहे हो 10 घंटे के लिए 15 घंटे के लिए, द कंपनी इज टेकिंग द क्रीम, और उसमें आपका स्किल कंपनी यूज कर रही है, दैट्स इट।
एक चीज हमें क्लियर होनी चाहिए कि पाकिस्तान में ना ये ट्रेंड है कि जब भी कोई बिजनेस हिट होता है ना तो वो फिर सारे ही वो करने लग जाते हैं, उसके पीछे लग जाते हैं, कोई अपनी क्रिएटिविटी नहीं, रिसर्च नहीं करता, स्किल सेट नहीं होता, उससे क्या होता है उस चीज में सेचुरेशन पैदा होती है, उसमें अनस्किल्ड लोग आते हैं और लोग सस्ता लेने के चक्कर में उनके पास जाते हैं और बहुत से बिजनेसेस हिट होते हैं। इंजीनियर्स के साथ एग्जैक्ट ये हो रहा है, टेक्नीशियंस और जो डिप्लोमा होल्डर्स हैं कंपनीज वो हायर कर रही हैं क्योंकि नंबर वन वो बहुत सस्ते में मिल जाते हैं। दूसरा ये कि ये जो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो इतनी कोई स्टैंडर्ड यूनिवर्सिटीज़ नहीं है वो ऐसे इंजीनियर्स पैदा करें जो 15,000-20,000 में भी जॉब कर लेते हैं। तो आई थिंक ये गलत कल्चर है सेल्फिशनेस में। आप देखें स्टूडेंट्स क्या करते हैं, हर जगह अप्लाई कर देते हैं और सेलेक्ट भी हो जाते हैं और उसके बाद वो लोग जो सिलेक्ट हो सकते थे उनकी सीट जो है वो चली जाती है। तो आई थिंक कि सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, थोड़ी सी अकल कि भाई मैं जो कर रहा हूँ उसमें मेरा स्किल क्या है, मुझे करना चाहिए, इस्तखारे का कॉन्सेप्ट, ये चीज़ें नहीं हमें सिखाएगी, हमें नहीं पता। और जो कोई बिजनेस किसी के लिए सक्सेसफुल है तो आप कंप्लीट फेलियर हो सकते हैं उस बिजनेस में। एग्जैक्टली, कोई बंदा रेस्टोरेंट चला रहा है तो हो सकता है आपसे एक रुपया भी ना कमाया जाए। बिजनेस का तो बेसिक असूल है डिमांड एंड सप्लाई। अगर डिमांड ज्यादा है सप्लाई कम है तो आप उसमें जाए, यानी गैप है। अगर डिमांड है ही कम और सप्लाई बहुत धड़ाधड़ है, मैं समझता हूँ कि जो पैसे ना चार चीजों से कमाए जाते हैं, एक यानी जॉब है, एक आप सेल्फ एम्प्लॉयड है, कंसल्टेंट है, ठीक है, या कोई बेसिक डॉक्टर है, किसी अपने क्लिनिक खुला, एक बिजनेस है, ठीक है, और एक एसेट्स है। जो जॉब और सेल्फ एम्प्लॉयमेंट है इसे कभी भी आप अन्यवा नहीं कमा सकते हैं, अन्यवा जिसको कहते हैं ना कि बहुत ज्यादा लिमिटेशंस है। जॉब ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, बिजनेस है और जो एसेट्स है, इट गिव्स यू किक्स, इट गिव्स यू किक्स फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। तो दिस इज व्हाई आई प्रेफर, साथ इज फीलिंग इट सो मच, ठीक है, ब्रो कह दिया अल्हम्दुलिल्लाह, हो गया मेरे साथ। तो बात ये है कि जो बिजनेस है ना, अल्लाह के नबी की यानी सुन्नत, सुभान अल्लाह, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फाउंड खदीजा अल कुबरा थ्रू बिजनेस एंड शी वाज हाईली इंप्रेस्ड बाय रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाउ इज दिस पर्सन इज सो ऑनेस्ट एंड अर्न्स मच मोर मनी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा को देख लें, आप अबू बकर सदीक ने 4 अशर मुबशरीन को खरीदा पैसे के थ्रू, अब मामा अबू हनीफा को देख लें बिजनेसमैन, माम नसाई को देख लें। अच्छा ब्रो, इससे पता होता क्या है, बिजनेस जो है ना आपको दिलेर बनाता है, पता आपको, यू टेक रिस्क। और आप हमेशा देखिएगा जो जॉब करने वाला बंदा है ना, he doesn't take risks. Yes. वो डरता रहता है, ओ यार अगर ये नुकसान हो गया। अच्छा, what I do is के how to, अच्छा, taking risks जो है ना is important. जी. But taking ridiculous risks, calculated risks, वो crazy बात है। Calculated risks. This is very important कि जो भी सुन रही है ना audience, हाँ, वो इस तरफ जो बड़ी motivational चीज लगती है ना, यार हम अपना कारोबार शुरू करें, सारा पैसा कहीं invest ना कर दें, मतलब अपने आप को पहचानना ना बड़ा जरूरी है। One needs to know कि यार मैं किस stage पे business पे jump कर सकता हूँ। There are lot of people इस वक्त बाहर जो है ना, वो जिस area में job करते हैं ना, उन्होंने साइड पे एक अपना इसको साइड हसल या कुछ ना कुछ नाम देके छोटा सा काम शुरू करते हैं वीकेंड्स पे या इवनिंग्स में। इट्स अ स्किल दैट यू लर्न ओवर टाइम, और वो देखते हैं कि यार इफ इट्स स्टार्टिंग टू वर्क तो वो फिर क्विट करते हैं और उसको फुल फ्लेज कर देते हैं। दैट्स वन स्मार्ट वे ऑफ डूइंग इट, अनलेस एंड अंटिल यू आर वेरी श्योर अबाउट इट कि यार मेरा ये काम है। जैसे मैंने जब अपना था तो मैंने different reasons, मैंने कहा था, I had to quit my job because I was getting burned out वहाँ पे, और मैंने कहा मैंने इतना time किसी और को नहीं देना। I want, मैंने quit करके साथ मैंने planning शुरू की थी, by the time I quit और मेरे within a month अगला काम अपना मैंने शुरू कर दिया। अच्छा, मैं एक और aspect बताता हूँ कि क्या don't you think कि लोग business करने से डरते इसलिए कि एक तो दो नंबरी पाकिस्तान में बहुत है। मुझे कई लोगों ने शिकायत की कि यार पेमेंट्स नहीं आती, ये नहीं होता, वो नहीं होता। True है, लोगों में फियर भी बहुत है बिजनेस करने के वाले। बिजनेस के साथ ना एक मिसकंसेप्शन ये नहीं होना चाहिए कि मैं अगर बिजनेस अपना करूंगा ना तो मैं विद इन थोड़े से बाद ना सेठ बन के बैठ जाऊंगा और मेरा काम चल रहा होगा। यू हैव टू पुट इन द एफर्ट। बल्कि इनफैक्ट जब आप जॉब करते हैं ना तो आप एक पर्टिकुलर रोल आपको मिला हुआ है, आप डेली जाते हैं, बड़ा ऑर्गेनाइज होता है, आपके अंदर डिसिप्लिन ज्यादा हो जाता है, एंड यू डूइंग इट वेरी, सुबह गए शाम तक आपने किया, डन है। बट जब आप कारोबार कर रहे हैं, आप एडमिन का काम भी कर रहे हैं, आप एचआर का भी काम कर रहे हैं, आप मार्केटिंग भी खुद ही कर रहे होते हैं, शुरू में बहुत सारी चीजें खुद करनी पड़ती हैं। तो देयर इज अ लॉट ऑफ, जैसे कहते हैं ना, हसल बसल बहुत होती है और जरूरी एंड इट टेक्स टाइम। और दूसरा ये कि आई थिंक मैं दो चीजों में अगर इसको देखूँ ना, आई सी इट इन टू वेज के वन पर्सन जो भी इंसान है ना, एक तो सेल्फ इम्प्रूवमेंट पे काम करे और दूसरा तवक्कुल। देखिए हमारा कॉन्सेप्ट बड़ा क्लियर है कि यार रिस्क इंशाल्लाह उतना ही मिलना है जितना अल्लाह ताला ने लिखा है और मिल जाएगा इंशाल्लाह। वी नीड टू सेलेक्ट हाउ वी वांट टू मेक
दैट मनी, मतलब मैं बेकरी खोल के भी कमा सकता हूँ, मैं जॉब करके भी कमा सकता हूँ, मैं रेडी लगा के भी कमा सकता हूँ, इट कुड बी एनीथिंग, आई नीड टू सी हाउ आई एम गोइंग टू मेक इट। ये सोचना कि बहुत ही लैविश बिजनेस करूंगा ये भी एक धोखा है। मैं ऐसी यूथ को जानता हूँ शकरकंदी की रेडी लगा के, मैं मजाक नहीं कर रहा, शकरकंदी की रेडी लगा के पैसे कमाई, शकरकंदी अच्छी खासी बिकती है और एक जगह नहीं जगह जगह रेडी रखी हुई है। एक का आइडिया था छली लगाना, मतलब एक का आइडिया था कुल्फी, कुल्फी को रेप्लीकेट करके जगह जगह वो रेडी खड़ी की हुई है, पैसे आ जाएंगे, तो वो क्या मसला है आपको। और एक बात मैं और यूथ को एडवाइस करने आऊंगा, मुझे बड़ी जबरदस्त बात एक अपने टीचर की याद आ गई, उन्होंने कहा कि बिजनेस हमेशा ऐसा करें जिसमें लोगों का फायदा, और उससे अल्लाह ताला जैसे दूध दही इसमें लोगों का फायदा। लेकिन जो आइसक्रीम है ना, मैं आइसक्रीम को डिग्रेड नहीं कर रहा, बट ऑब्वियसली कि उससे ओबेसिटी है, इट्स गुड, इट्स अ गुड बिजनेस, बट मिल्क एंड डेयरी इज फार बेटर देन डूइंग अ बिजनेस रिगार्डिंग आइसक्रीम। हमारे यहां एक कांसेप्ट भी है कि यू शुड हेट वेल्थ, तुम्हें पैसे से नफरत होनी चाहिए, यानी जो एक जो लोग दीनी तबका है उसके यहाँ एक पैसे से ना नफरत पैदा की गई है। आई थिंक वी शुड नॉट हेट वेल्थ, वी शुड हेट होल्डिंग वेल्थ, ठीक है। सहाबा ने और ताबीन तबा ताबीन ने, बल्कि जो दीन का कॉन्सेप्ट है इसको अल्लाह का फजल कहा गया है, जो रिस्क है, ठीक है। कुरान में क्या था सूरह जुमे में कि नमाज जुमे पढ़ने के बाद वक्त को मिन फजल अल्लाह, अल्लाह ताला का फजल तलाश करें। सो ये है अल्लाह का फजल, बट होल्डिंग वेल्थ इज अ कर्स, ठीक है। सहाबा नेवर हेटेड वेल्थ, दे हेटेड होल्डिंग वेल्थ। और आप देखिए जैसे गुड वैल्यूज की बात है, वी शुड नॉट हेट डूइंग बिजनेस, वी शुड हेट हाउ पीपल डू बिजनेस, गलत तरीके से झूठ बोल के दुनिया करके। और हमें तो अल्लाह, यानी सुभानअल्लाह, मैं समझता हूँ कि सहाबा ने भी एंटरप्रेन्योर्स थे, बड़े बड़े लोग एंटरप्रेन्योर्स थे। अब्दुल रहमान बिन औफ को देख लें आप, सारा उनका बिजनेस स्टैंड करता था गुड वैल्यूज पे, गुड वैल्यूज पे। इनफैक्ट अच्छा, तो मुझे लगता है आजकल के दौर में ना, मेरे एक नस्ट की वो एक टीचर है, उन्होंने बल्कि अलग कहते हैं आजकल के दौर में जो कंपटीशन है ना, इनफैक्ट वो बहुत लो हो गया है। प्रोफेशनलिज्म बिल्कुल यहाँ पे है, झूठ यहाँ पर है, कमिटमेंट लेवल यहाँ पर है, मेहनत, मतलब सब कुछ नीचे की तरफ जा रहा है यूथ। सो अगर आपने आज कामयाब होना है ना, तो आप एक तो ऑनेस्ट हो जाए, थोड़ी सी भी एफर्ट डालना शुरू कर दें और फोकस्ड हो जाएं, आप खुद उभर आएंगे, आप सच बोलना शुरू कर दें, वैल्यूएबल हो जाएंगे, वैल्यूएबल, बिकॉज़ देयर आर वेरी फ्यू। हम लोग क्या करते हैं, आपको कमिटेड प्रोफेशनल लोग हायरिंग की आप भी बात करें, मैं भी, हम लोग वेरी फ्यू पीपल जो कि आपको हायरिंग करना इतना मुश्किल काम हो चुका है, बिकॉज़ आपको कमिटेड ऑनेस्ट मेहनती लोग मिलते हैं। अब सिर्फ कमिटेड ऑनेस्ट बन जाएं, व्हाट वी डू इज वी ओवर कमिट एंड अंडर डिलीवर। यार सुभान अल्लाह, देखिए ना ये कितनी जबरदस्त बात है। हम अमूमन हमारा कॉन्सेप्ट ये है कि यार बस नमाज पढ़ ली, रोज़ा रख लिया, दैट इज़ इस्लाम। अगर एक बंदा घर से बाहर निकलता है ये सोचते हो कि यार आई हैव टू अर्न हलाल मनी, वल्लाही फ्रॉम सुबह से लेकर शाम तक अगर आप इसी कोशिश में लगे हुए हैं, आपके हसनात लिखते जा रहे हैं। क्यों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि मैं और जो ईमान, यानी क्या कहते हैं, ईमानदार ताजरा विल बी लाइक दिस ऑन द डे ऑफ कियामत। सुभान अल्लाह, बहुत बड़ी बात है। वो जो ताजर रौफ की बात करता था ना, हाँ जी, हाँ जी, ही वाज अ हॉर्स मर्चेंट, घोड़े बेचा करते थे, ठीक है। और घोड़े बेचने में, फॉर एग्जाम्पल, जब घोड़ा कोई लेने आता था तो कहते थे कि 1000 dinars फॉर दिस हॉर्स, ठीक है, ओके, ठीक है, क्योंकि इतने इनका ऑनेस्ट वो था ना, कहते नहीं वेट अ सेकेंड, डोंट पे मी 1000 dinars, ये इसके दांत में थोड़ा सा मसला है, ठीक है, पे मी 950, ओके 950, वेट अ सेकेंड, इसकी जो ग्रैंड मदर थी वो इंडियन मिसाल दे रहा हूँ कि या किसी और नस्ल की थी, प्योर अरब हॉर्स नहीं है, ठीक है, तो यू पे मी 900, ठीक है, और इसके हूफ में थोड़ा सा मसला है, यू पे मी 850, बस। वो कहता यार, ही शोड देम ब्रदरहुड एंड इन रिटर्न दे शोड हिम इवन सुभानअल्लाह, और ही नेवर होल्डेड हिज हॉर्सेस। 3 to 4 days में वो अपने माल को बेचा करते थे, ट्रेडिंग किया करते थे, इनके पास घोड़े आए 1000 horses, 2-3 days में कोई लेने वाला नहीं आया, तो उन्होंने कहा कि उसी रेट पे जिस पे उन्होंने परचेज किया था उसे भी बेच दिया, और उनकी जो, यानी जो नेक हैंडल्स, यानी जो रोप्स थी वो रख ली, और हर रोप को 1 dinar भेजा, एंड ही अर्न 1000 horses, 1000 dinars कमा लिए रोप्स बेच के। सिंपल, इवन ये एक पहला, हमने पैसे कमाने क्यों है, असल बात ये है, मैं समझता हूँ कि ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है लोगों को बताना। हमने तो पैसे कमाने पर स्किल से बात कर ली, वी शुड अर्न मनी टू गिव इन चैरिटी, ये विजन होना चाहिए। अगर तो आपके दिल में लालच है, आई वुड नेवर सजेस्ट टू अर्न मनी, आई वुड सजेस्ट टू आप थोड़ा कमाए। नहीं, लालच से क्या मराद है, अगर एक बंदा ये चाहता है कि वो उसका लाइफ स्टाइल कम्फर्टेबल हो, ठीक है, उसे ना खाने का मसला हो, ना आगे पीछे जाने का मसला हो, जो भी उसका कोई काम है वो कम्फर्टेबली हो रहा हो, तो डू यू थिंक इट्स लालच? मैं समझता हूँ कि अगर उसमें देने का जज्बा नहीं है ना,
अगर उसमें अल्लाह के रास्ते में खर्च करने का जज्बा नहीं है और वो सिर्फ अपने लाइफ स्टाइल को कंफर्टेबल करना चाहता है, अच्छा सिर्फ ठीक है, तो इट्स अ रॉन्ग कॉन्सेप्ट। ये सेल्फिशनेस का जो कॉन्सेप्ट, मुसलमान कभी भी सेल्फिश नहीं हो सकता, मुसलमान हमेशा गिवर होता है, ऊपर वाला हाथ होता है। मैं कहता हूँ कि अपने इस विजन को बढ़ाएं, जैसे हम कह रहे हैं ना अर्न बिलियंस ऑफ रुपीज, के आई हैव टू रिवाइव द सुन ऑफ उमर बिन खत्ताब ऑफ गिविंग 50% अवे और द सुन ऑफ बकर सिद्दीक ऑफ गिविंग 100% अवे। मैं इसलिए काम करना चाहता हूँ और गिविंग अर्ली सदका, वो बता रहे थे ना एक वो मलेशिया का जो भी रिचेस्ट मैन है, सुभानअल्लाह, व्हेन ही केम फ्रॉम सीरिया टू मलेशिया 10-15 साल पहले की बात है, उसके पास कुछ भी नहीं था कमाने को, ठीक है, उसकी फ्रॉम रैक्स टू रिचेस, यानी बिलियनियर्स आज आप देख लें जो टोटल अराउंड 300-400 बिलियनियर्स हैं, हाफ जो है ना उनमें से दे आर फ्रॉम रैक्स टू रिचेस। एक और बड़ी वजह होती है कि जब आपके पास कुछ नहीं होता ना तो योर एबिलिटी टू टेक रिस्क बहुत हाई हो जाती है, बिकॉज जब है नथिंग टू लूज ना वो आप रिस्क फिर बड़े से बड़ा लेते हैं। ये भी है हमारे यहाँ पे जो भी आप बात करते हैं ना, हमारे यहाँ पे कि बंदा कोई रेडी लगा ले, एक बंदा जो DHA बैरिया इस्लामाबाद के एफ सेक्टर्स में रहता है ना, उसका बाप भी कभी अलाउ नहीं करेगा अपने बेटे को कोई इस तरह का छोटा सा कारोबार करना। मतलब किसी को कहना हम दूध की दुकान खोलने को, कहेगा यार यार खानदान में क्या होगा, और बाहर जाके हम पोछे भी लगाते हैं मैकडॉनल्ड्स में, बाहर जाके हम वेटर भी होते हैं। अगर आप उसको कहना कि मैं मिल्क शॉप खोल रहा हूँ तो फिर शायद मसला ना हो, उसके बाद जब उनके पास कैपिटल आया तो ही स्टार्टेड डूइंग बिजनेस ऑफ सैडल्स ऑफ हॉर्सेस, और वो बड़ा यूनिक बिजनेस था उस टाइम पे अरब सैडल्स, क्योंकि उसकी शॉर्ट कमिंग शॉर्ट बहुत होते थे, तो वहां से माशाल्लाह पैसे कमा के he thought ke why not purchase my own horses and camels and start giving them on rent. phir unhone tijarat shuru ki, kapdon ka kaam shuru kiya, to wo na unique businesses karte ke sabse pehle kahan se shuru kiya, logon ke fayde wale business, wahan se barkat hui, wahan se unique business uthaya, ek idea वहां से फिर जो कॉमन कॉमन बिजनेसेस थे उसमें हर जगह जो है वो। अच्छा एक बड़ा कॉमन तरीका ये भी है बिजनेस को ग्रो करने का, बहुत सारी मिसालें मिलती हैं कि लोग अपनी प्रॉफिट में से ना एक हिस्सा रख देते हैं कि ये हमने एलोकेट कर दिया अल्लाह ताला के लिए। सेबर का बिजनेस है, सेबर का बिजनेस जो आपने का मॉडल है, हाँ बड़ा जबरदस्त मॉडल है कि उन्होंने रख लिया जी इतना जो है हमारा हिस्सा, ये तो हम चैरिटी करते हैं। मैं समझता हूँ कि जो मैं बता था ना वो जो मलेशिया की जो रिच मैन की स्टोरी, उसके जो लुबे लबाब था ना, यानी उसने अपने जूते बेच के 10 रिंगिट्स लिए, ठीक है 1.5 पाउंड बनता है, ठीक है, उसने उसको एक ही दिन में ट्रेडिंग किया उसको, और उसके पास अराउंड 10-20 रिंगिट्स आए, ठीक है टोटल। तो उसकी माँ ने कहा पुत्र हाफ के हाफ ऑफ इट इन सदका एंड चैरिटी, ठीक है। उन्हें कहा अम्मा जी हाउ अबाउट सेविंग दीज यू नो 10 रिंगिट्स एंड को मैं कैपिटलाइज करूँ, और फिर जब ज़्यादा पैसे आ जाएँ फिर मैं सदका कर दूँ। फिर मैंने कहा नहीं बेटा, जो पैसे हैं ना वो प्रिंसिपल अमाउंट से कैपिटल से नहीं कमाए जाते हैं, वो अपॉर्चुनिटी से कमाए जाते हैं, और अपॉर्चुनिटी आती है अल्लाह सुब्हान तआला की तरफ से। तो जो बंदा चाहता है कि उसके माल में बरकत आए और वो ज़्यादा पैसे कमाए, ही शुड डेवलप अ हैबिट ऑफ गिविंग अर्ली सदका, अर्ली चैरिटी। अगर आप आज आपके पास 10,000 रुपये हैं और आप 2-3 हज़ार सदका नहीं निकाल सकते हैं, तो दैट मीन्स कि फिर जब आपके पास लाखों होंगे ना, आप वो भी नहीं सरकार दे पाएंगे। डेवलप दिस एप्रोच, लोग कुछ बिजनेस की तो ग्रोथ स्ट्रेटजी है ब्रो ये। अच्छा मुझे यहाँ से सॉरी अहमद बिन हम्बल का वाकया एक याद आ गया, इमाम अहमद का, वो उनके वालिद की जब डेथ हुई थी ना, तो वालिद ने जो एक दुकान छोड़ी थी जो रेंट पे वो देना चाह रहे थे अहमद बिन हम्बल, तो वो बाजार में खड़े होकर ना सदा लगाया करते थे कोई है जो इसको रेंट पे लेगा कोई है, तो ही यूज़ टू रिग्रेट कि मेरा ना टाइम बड़ा वेस्ट हो रहा है, और अल्लाह से दुआ करते थे अल्लाह मैं इल्म नहीं, मतलब आई वांट टू इंक्रीज इन इल्म। तो उनकी मदर ने उन्हें एडवाइस की कि बेटा तुम ना इल्म पे टाइम लगाओ और अल्लाह पे तवक्कल करो, एंड ही एक्चुअली एक्सेप्टेड दिस एडवाइस और इल्म पे टाइम लगाना शुरू किया, एंड द मोमेंट ही डिड दैट ही रेंट पे यूं यार एक्चुअली मैं अपनी बड़ी तो कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर डिपेंडेंट है ना, जैसे वो हदीस है मुझे एग्जैक्टली नहीं उसका पता, कि दो भाई एक भाई ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कंप्लेन की कि मैं कमाता रहता हूँ जबकि मेरा भाई जो है वो दीन का इल्म हासिल करता रहता है, आपके पास बैठा था, ये नहीं कमाता।
अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम्हें क्या पता कि उसकी वजह से तुम्हारा तुम्हें भी रिस्क ज्यादा दिया जा रहा है, लअल्लका तुरज़कु बिही, अल्लाह के शायद तुम्हें जो रिस्क मिल रहा हो ना उसकी वजह से मिल रहा है। एक्चुअली मैंने बड़ा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस अपनी बात बताता हूँ, यकीन कीजिएगा कि जैसे वो आयत है ना वमन यतक़िल्लाह यजअल लहु मखरजा, हमारे यहाँ अभी यानी जो बॉयज़ हैं बड़ी कंप्लेन करते हैं कि ऐसा महसूस होता है कि रिस्क तंग हुआ हुआ है, ठीक है, यानी कहीं जगह जॉब नहीं मिल रही, काम नहीं चल रहा, ये है वो है, घर में टेंशन है। आप यकीन कीजिएगा इतनी प्रोफाउंड आयत है ना ये, यानी मैं अमूमन इस आयत को ना ऐसे लेता हूँ, फॉर एग्जांपल जस्ट कंसीडर योरसेल्फ एज इफ यू आर इन अ डार्क रूम, बॉक्स है, चार दीवारें हैं, देयर इज नो विंडो, अंधेरा है और नो एग्जिट, लेकिन अगर आप फिर भी अल्लाह पे तवक्कुल रखते हैं, यानी एक चीज़ चाहिए अल्लाह ताला को आपकी तरफ से, यू हैव टू बी मुत्तकी। मुत्तकी का मतलब क्या है कि आप अल्लाह ताला की नाराज़गी से बचें। अल्लाह ताला का ये वादा है, अल्लाह ताला आपके लिए कोई ना कोई एग्जिट निकाल देंगे, वो चाहे कोई दीवार जो है गिर जाए, कुछ भी हो जाए, बना देंगे, यजअल, यजअल यानी मखरज, अच्छा देखिए कॉमन नाउन है कि अल्लाह ताला कोई ना कोई एग्जिट देंगे आप। और आप यकीन कीजिएगा आई हैव प्रैक्टिकली एक्सपीरियंस्ड इट, वो जैसे अल्लाह ताला कहते हैं ना कि वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना, वल्लाही अल्लाह शोज यू इफ यू बिलीव इन मी आई विल शो यू माय वेज। और फिर देखिएगा अल्लाह ताला वहाँ वहाँ से रास्ते खुलेंगे आपके लिए, बोलेंगे अल्लाह अकबर, अल्लाह बड़ा गयूर है। वैसे अल्लाह ताला बड़े, जो बंदा अल्लाह पे तवक्कुल कर लेता है ना, अल्लाह ताला उसको कभी भी जलील नहीं करते और उसको कभी भी लेट डाउन नहीं करते। यानी एक वो वाकया हातिमुल असम का, जो कि बड़ा नेक जाहिद थे और ही वो ऑलवेज वॉन्ट टू गो टू हज, बट रिसोर्सेज इतने नहीं थे, तो उन्होंने अपनी बेगम से कहा कि मैं जाना चाहता हूँ लेकिन दो तीन महीने का राशन है और हज उस टाइम पे अराउंड 4-6 months लगते थे। तो उन्होंने कहा कि फिर खलास घर बैठो, क्यों जाना चाह रहे हो हज पे। लेकिन बेटी बड़ी तकवे वाली थी, बेटी ने कहा अब जी आप जाएँ इंशाल्लाह, इन अल्लाह हु रज़ाकु ज़ुल क़ुव्वतिल मतीन, अल्लाह रिस्क देगा, आप जाएँ इंशाल्लाह, अल्लाह पे तवक्कुल, हम तकवे वाले लोग हैं, हम यानी नेकियाँ करेंगे। अबा जी जब गए तो दो तीन महीने का राशन था, जब ख़त्म हो गया तो अम्मा जी ने आ गई उसके पास, बेटी के पास, हाँ जी यू बिग माउथ, बड़ी बड़के वाले, तुमने बड़ी बातें की थी, अभी कहाँ है रिस्क, कहाँ है माल। सो दिस गर्ल वॉज वेरी स्पेशल, वो पीछे अपने कमरे में गई, उसने मुसल्ला डाला, यानी वस्ताइन बिस सबरी व सला, हाँ नमाज से और पेशेंस से, अल्लाह अकबर कह के नमाज पढ़ी और अल्लाह से दुआ की कि अल्लाहुम्मा अंता कुलता व कौलुकल हक, व मन यतक़िल्लाह यजअल लहु मखराजा व यरज़ुकु मिन हैसु ला यहतसब, या रब तेरा वादा और सच है कि जो तकवा करके तुझे रिस्क देगा, या रब अभी कुछ यानी हालात ये हैं और हमने अपनी बेस्ट ट्राई की, या रब हम तो तकवे वाले, यानी हम कोशिश तो करते हैं। सुभान अल्लाह ताला के बिना जो सिस्टम होता है ना, उसी टाइम बादशाह साहब से गुजर रहा था और जब वो गुजर रहा था तो उसको प्यास लगी और सुभान अल्लाह के प्लान्स देखे, पानी ख़त्म हो गया था पूरे एंटोराज में, एंड ही वाज नॉट पासिंग बाय अलोन, पूरा उसको एक एंटोराज था उसके साथ। तो उसने कहा पानी कैसे ख़त्म हो गया, साथ किसी घर से लेके आओ। तो हातिम उस समय घर था, नॉक किया और कहा बादशाह सलामत गुजरे तो पानी दें। तो ठीक है, पता चला कि बादशाह गुजरे हैं, तो हदीस में आता है अंजलना से मनाजिल होम, लोगों को उनके मंजिल के मुताबिक ट्रीट किया करो, उन्हें रिस्पेक्ट दिया करो। उसने बड़ा डेकोरेट करके बड़ा अच्छी तरह से ना उसको पानी प्रेजेंट किया, एंड इट इज़ अल्लाह हु पुट्स बरका एंड लज्जत इन द टेस्ट। जब उसने पानी पिया ना, उसको कभी कभी इतना पानी पीता कितना प्लीजिंग लगता है, कहते हैं किसी घर से पानी लेके आया, उन्होंने कहा वो हातिम अल-असम जो नेक है, उन्होंने कहा आओ लेट्स पे हिम सलाम, उन्होंने कहा नहीं शेख वो तो हज पे गया हुआ है, कहते हज पे गया हुआ है तो फिर इट इज़ आर ड्यूटी टू टेक केयर ऑफ हिज फैमिली। और उसने अपने पास से गोल्ड कॉइन्स का एक सैक निकाला और उसको गिरा दिया उस घर में, और अल्लाह ताला जब बढ़ाना चाहता है तो क्या करता है, उसने अपने पूरे एंटोराज से कहा कि द वन हु लव्स मी शुड डू द सेम, और उन सब ने ना अपने पास से वो गोल्ड कॉइन निकाल उसके, और उनका जो लॉन था वो गोल्ड कॉइन से भर गया। तो माँ खुश हो गई कि क्या बात है जी, बल्ले बल्ले, ठीक है। बेटी को कहा कि बेटी रोने शुरू हो गई, तो उसने बेटी कहा कि व्हाट रॉन्ग विद यू आर क्रेजी यू नो हेड, हम जब रो रहे थे और भूखे पैसे तुम खुश थी और जब अब माल आ गया तुम रोने शुरू हो गई। तो कहती है कि माँ जी एक इंसान ने रहमत की नज़र डाली हम पे तो हमारा ये हाल हो गया, इमेजिन जब रब्बुल आलमीन रहमत से नज़र करेंगे तो फिर क्या होगा, ठीक है। तो ये दिस इज हाउ इंपॉर्टेंट इट इज़ मैन, अल्लाह सुब्हानहू व तआला को चाहिए कि तुम लोग एफर्ट करो, फिर देखो मैं कैसे। मुझे एक और बात याद आ गई, मेरे कोलीग हैं तो वो थोड़े परेशान थे, आज से कोई 4 साल पहले की बात है, तो अक्सर कहते थे कि सर मुझे परेशानी है, मतलब मैं क्या करूँ, टीचिंग इज़ नॉट दैट पेएबल, ये वो। तो
अब माशाल्लाह ही इज़ टीचिंग इन डिफरेंट यूनिवर्सिटीज़ एंड वेरी वेल ऑफ. तो मज़े की बात कि मुझे मिले तो मैंने उनसे पूछा कि सर माशाल्लाह यू आर ग्रोइंग टू मच. तो उन्होंने कहा कि अली भाई मुझे ना एक स्कॉलर ने कहा था कि आप ना नियत कर लो हज करने की और 5,000-2,000 जितनी आपकी इस्तेआत है ना पर मंथ सेव करते रहो उसकी इंटेंशन के साथ. ही सेड ऑल आई डिड इज़ दिस दैट्स इट कि अल्लाह मैंने हज पे जाना और मैं सेविंग कर रहा हूँ और उसकी बरकत से ऐसे मेरे लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज़ खुली है. यूनिवर्सिटीज ने मुझे बुलाया और फिर माशाल्लाह एक से दूसरी से तीसरी से बरकत हो गई. ये एस्पेक्ट जो है ना कि अल्लाह पे तवक्कुल ये नहीं जाना चाहिए. मैं आपको बताऊं सारी हमारी बातें साइड पे हो जाएंगी अगर हम अल्लाह ताला का तवक्कुल और ये तक्वा निकाल देंगे ना ब्रदर्स. कोई फायदा यानी एफर्ट के साथ साथ अल्लाह ताला पे भी रिलाय करना. अल्लाह टेस्ट करता है. बिल्कुल एग्जैक्ट. ठीक है अल्लाह टेस्ट करता है कि तुम्हें से सच्चे कौन है. ठीक है मेरे टीचर थे हमें फाइनेंस पढ़ाते थे. फाइनेंशियल अकाउंटिंग कॉस्ट अकाउंटिंग इंट्रोडक्शन टू अकाउंटिंग भी पढ़ाई उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे. वो कहते हैं कि मैं सुधी जॉब कर रहा था. मैं एक बैंक में जॉब कर रहा था. ठीक है कन्वेंशनल बैंक था. तो कहते हैं कि मुझे पता चला सूद हराम है और सब चीज़ें. तो कहते हैं कि मैंने इसको छोड़ने के रहा था. लेकिन कहते हैं मेरे और कोई सोर्स ऑफ इनकम था ही नहीं एंड आई वॉज द ओनली ब्रेड अर्नर. कहते हैं मैंने अल्लाह का नाम लेके ना छोड़ दिया और छोड़ के घर नहीं बैठ गए हाथ पाँव मारे. ठीक है जैसे हम लोग घर बैठे थे हाँ जी अब आसमान से पैसे आएंगे. तो उन्हें हाथ पर मारे ब्रो. कहते हैं उसके बाद जो मेरी गुड्डी उड़ी है ना जब मैं डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में जाता हूँ पढ़ाता हूँ यही अपने फील्ड के हवाले से. कहते हैं मेरे यूनिवर्सिटी स्पॉन्सर्ड बाहर के टूर्स होते हैं. मैं इस्लामिक बैंकिंग का कॉन्सेप्ट प्रेजेंट करता हूँ. तो ये एग्जाम्पल कोट करने की बात क्या है. अच्छा समिंग अप राइट ऑल ऑफ दिस कि जो रिस्क है वो कैसे आएगा. एक तो तकवा हमने कहा तवक्कुल हमने कहा. एक और चीज हम मिस करते हैं कि हम पैसे कमाने में इतना बिजी होते हैं कि वी डोंट गिव टाइम टू आवर पेरेंट्स एंड सिला रहमी नहीं करते. बिग पॉइंट सिला रहमी नहीं करते. हालांकि सिला रहमी वाहिद अमल है ब्रो जिसका सबसे पहले दुनिया में अजर मिलता है. हदीस में आता है सिला रहमी करने से दुनिया में भी रिस्क भी बढ़ता है और जिंदगी भी बढ़ जाती है दोनों. सो इफ यू जस्ट यू नो लीव सम ऑफ द आवर्स फॉर आर खाला चाचे फुप्पे ताए और अपने माँ बाप के लिए और उनसे जाके बात करें उनसे मेंटेन करें फ्रेंडशिप सुभानअल्लाह अल्लाह ताला रिस्क के दरवाजे खोल देंगे. फिर अर्ली सदका क्या जैसे हमने बात की कि अर्ली सदका देना शुरू कर. ये इतना मजेदार कॉन्सेप्ट है ना जो ये हमने बातें की है ना. हमें कभी लगता है पैसे कमाने ना और हम जो मेहनत का जो कॉन्सेप्ट हम समझते हैं कि हमने नंबर ऑफ आवर्स ना बढ़ा दिए. टाइम नहीं हम अक्सर खाला लोग टाइम नहीं यार मैं बहुत मसरूफ हूँ बहुत कमा रहे और हम इनको पीछे करना शुरू कर देते और हमें इतने मसरूफ हो जाते हैं. मे बी समटाइम्स वी विल मेक मनी बट हमारी लाइफ इतनी ऑक्यूपाइड होगी कि हमारे ना अपने बीवी बच्चों के लिए टाइम रहता है ना किसी और के लिए टाइम रहता है. जबकि अगर हम ये एफर्ट जो है ना इसको थोड़ा सा समझदारी के साथ करें जितने आवर्स काम करना उसमें जरूर मेहनत करें उसके अंदर टिकटॉक और ये रैंडम चीजें ना करें उसमें काम करें. बहरिया टाउन में एक बड़े अच्छे दोस्त हैं हमसे बहुत उम्र में बड़े हैं हाजी साहब कहते हैं उन्हें. तो वो माशाल्लाह उनका मिठाई का बिजनेस है. मिठाई के बिज़नेस से फिर प्रॉपर्टी में आए प्लाजे माशाल्लाह अब उनके खड़े हुए. तो उनसे मेरे एक दोस्त ने पूछा था कि आपका क्या है मॉडल क्या है कैसे एकदम आप ज़ीरो से स्टार्ट किया और माशाल्लाह. ही सेड कि मेरी मदर ना मुझे एक दुआ दिया करती थी. बड़ी इंटरेस्टिंग बात उनकी. वो हज भी करने गई यही दुआ की उम्रा भी करती थी यही दुआ कि अल्लाह मेरे पुत्र नू आसान मिलन वाला रिज़्क़ दे. यानी वो खपे ना मेरा बेटा जो है ना वो इस चीज में खप ना जाए. और आसान कहते बस ये अल्लाह ताला ने आसानी क्रिएट की बिजनेस ही ऐसा. मैंने लमला मैं मेरे पास टाइम ही टाइम है. आज वो दावा का काम कर रहे हैं स्कूल खोलना चाहते हैं कितने आइडियाज उन्हें और आ रहे हैं बिकॉज अल्लाह हैज मेड इट इजी फॉर. और हो सकता है देखें मैंने ये टाइम्स हम लोग ना अपेरेंट चीजों को देख रहे होते हैं जो हमारे सामने हैं. फॉर एग्जांपल हो सकता है कि आपकी डिजायर के मुताबिक आपको पे नहीं मिल रही या आपको उस हिसाब से पैसा नहीं मिल रहा. अल्लाह ताला जानता है कि अगर वो आपको ज्यादा पैसे दे दे हो सकता है यू माइट ड्रिफ्ट अवे फ्रॉम दीन ऑफ अल्लाह. तो यू हैव टू अंडरस्टैंड यानी वही बात आती है ना कि अल्लाह ताला पे भरोसा रखते हुए ना यू हैव टू सबमिट योरसेल्फ जितना मिल रहा है उस पे खुश हो जाए. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह. I know what's going to hit me will not miss me. And what's going to hit me, what's going to miss me will not hit me. Exactly. बच्चों और बाकी लोगों के लिए जैसे आप कह रहे थे ना टाइम निकालें ये तो मैं समझता हूँ सेकेंडरी है. सबसे पहली बात कि अल्लाह ताला के लिए हम टाइम निकालें ना. वो हदीस में आता है ना इब्न आदम तफर्रग ली इबादती कि आदम तुम मेरे लिए मेरी इबादत के लिए वक्त निकालो तो मैं तुम्हारा जो सदर है वो गिना से भर दूंगा. मतलब दुनिया के बारे में बात है. वो दूसरी हदीस भी मतलब
ऐसा हो नहीं सकता कि कोई पॉडकास्ट इस बारे में हो और हम ये दो हदीसें मेंशन ना करें, वो जो हदीस आती है कि मन कानत दुनिया हम्मा हो, कि जिस बंदे का सबसे बड़ा गम दुनिया बन गया और इन अदर वर्ड्स पैसा बन गया, बिजनेस बन गया, तो वो हाँ अल्लाह ताला उसकी ना माथे के दोनों आंखों के दरमियान लिख देते हैं फ़कर को। यानी अगर आपकी प्रायोरिटी जो है वो दुनिया ही बन गई है सिर्फ, ठीक है, बैलेंस आपने स्ट्राइक नहीं किया, तो अल्लाह सुब्हान व तआला इज गोइंग टू गिव यू हार्ड टाइम इन अचीविंग योर टारगेट्स, और फिर भी आप नहीं कर सकते, उसी में लगे रहेंगे। हाँ, तो इट्स वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी रियलाइज दिस कि रिमेंबरेंस ऑफ अल्लाह, अल्लाह ताला के साथ जुड़ना एट द सेम टाइम। वो अल्लाह ताला जब अपने बंदों के बारे में बात करते हैं ना कुरान में भी कि वो मस्जिदों में होते हैं तो उनकी तिजारत जो है ना वो उनको अल्लाह ताला की याद से गाफिल नहीं करती। नॉट दैट दे आर नॉट डूइंग तिजारत, दे आर डूइंग तिजारत, बट व्हेन इट्स टाइम फॉर रिमेंबरिंग अल्लाह सुब्हान व तआला दे रिमेंबर अल्लाह सुब्हान व तआला। हमारे इस्लामाबाद में स्कॉलर में शायद आप लोग याद हो क्लास हो रही थी जो G6 में, तो उनसे सवाल किया था कि हम लोग जो इस्लामिक एजुकेशन या दीन को जो टाइम देना, इसको हम किस तरह टाइम दें, कितना टाइम दिन में हम काम करते हैं, फिर थोड़ा सा फैमिली है और फिर टाइम बच रहा होता है, तो किस तरह इसको मैनेज करें ना। तो उन्होंने कहा असल में आपकी ना प्रायोरिटीज़ उल्टी है, और अगर आपने इसको रखा भी तीसरे चौथे नंबर पर, सबसे पहले अल्लाह ताला का टाइम आप देखें, आपने कितनी इबादत करनी है, कितना पढ़ना है, कितना कुरान, कितना ये सारी चीज़ें पहले रखें दिन में, उसके बाद बाकी चीज़ों को ऐड करें। सो हम जब स्केड्यूल बनाते हैं ना, हम पहले काम फिर बाकी चीज़ें ऐड कर देंगे। अगर हम स्केड्यूल में अल्लाह ताला को सबसे पहले रखें ना कि हम दिन में या अपने मंथ में या अपने ऑब्जेक्टिव, हमारे मंथ के एंड में जो ऑब्जेक्टिव है ना उसके अंदर भी देखें हमने कितना इल्म हासिल किया, हमने कितनी इबादत की, ये सारे हमारे क्लियरली डिफाइंड ऑब्जेक्टिव, रोजाना का कितना कुरान हम पढ़ते हैं, लेट्स स्टार्ट फ्रॉम आवरसेल्फ, रूटीन असल में हमारी हो जाए, यू नो, इफ वी चेंज दिस ना, हम रखें कि यार इतना मैंने करना ही करना है, जब तक वो अचीव नहीं होगा बाकी चीजों में मैं कॉम्प्रोमाइज करूंगा, इस पे कोई कॉम्प्रोमाइज, बिकॉज़ इफ यू सी थिंग्स विल स्टार्ट टू चेंज ऑटोमेटिकली। हमारा ज़हन ये है कि कुरान हमने जब टाइम बचेगा पूरे दिन में तो हमने पढ़ना है, और वो नहीं बचता अक्सर होता है, लोग इस रूटीन पे चलते हैं, वो कहते हैं यार आज पढ़े नहीं यार, मिस हो गया, ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया, और ये बिल्कुल ये जो आपने हदीस पढ़ी ये ऐसे होता है, वी गेट सो ऑक्यूपाइड विद द वर्क, दुनिया दुनिया दुनिया, वी फॉरगेट अबाउट दैट। और सहाबा की प्रायोरिटीज आप देखें, एक सहाबी दरख्त चॉप कर रहे हैं, ठीक है, और वो चॉप करते करते अब कुल्हाड़ा हाथ में है और वो ही इज अबाउट टू स्ट्राइक द ट्री, आवाज अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर, उन्होंने उसको स्ट्राइक भी नहीं किया, वहीं छोड़ दिया और कहते हैं दिस स्ट्राइक इज नॉट ब्लेस्ड। हमारे जैसा होता तो कहता कि अभी इकामत में टाइम है, 15 मिनट है, आराम से एक थोड़ा सा काट लो, तीन दर्द कट जाएंगे, एक जैसे एग्जैक्ट टाइम शुरू हो, यार वजू भी करना था, लेकिन दिस शोज योर प्रायोरिटी, इट वाज नॉट अबाउट यानी कि अगर आप दीन में क्या है और क्या नहीं, इट्स अबाउट प्रायोरिटी। बिकॉज़ इट्स लाइक स्टार्ट योर डे अर्ली, यू नो, कहते हैं ओन योर मॉर्निंग्स टू ओन योर डे, जिसने अपनी मॉर्निंग को ऑन कर लिया ना उसने अपनी दिन को ऑन कर लिया, और जिसने अपने दिन को ऑन कर लिया उसने लाइफ को ऑन कर लिया। और प्रैक्टिकली ना ब्रो मैंने देखा है, मैं अल्हम्दुलिल्लाह अभी MSc साइकोलॉजी भी कर रहा हूँ, IOU से मास्टर्स इन इस्लामिक साइंस भी चल रहा है, फिर जॉब भी है, फिर फैमिली भी है माशाल्लाह। तो मैंने जो देखा ना कि अल्लाह ने जो मुझे जॉब दी मैं सुबह उठता हूँ, है ही ऐसी मेरी जॉब ही ऐसी है, स्कूल 7:30 असेंबली लग जाती है, तो आई हैव टू वेक अप एट फजर, उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह 6:30-7 मैं निकल जाता हूँ, बहरिया टाउन काफ़ी दूर है, मोस्ट ऑफ माई वर्कशॉप्स जो यूथ क्लब की हैं, थिंग्स डैट मैटर पर्टिकुलरली, वो इस टाइम स्लॉट में डिजाइन है 6 to 10। अच्छा, और उसमें इतनी बरकत अल्लाह ने डाली आपके सामने माशाल्लाह, और ये हॉर्स पावर आवर्स हैं, ये हॉर्स पावर आवर्स हैं, मेरा दिमाग ऐसे काम कर रहा होता है आउटलाइंस बनाते हुए और ये प्रिपेयर करते हैं कि मैं खुद हैरान रह जाता हूँ कैसे कैसे पॉइंट्स में डिजाइन अगर जो कुछ कलाम है हदीस की रिवायत में कि अल्लाह ताला ने बरकत डाल दी है इस औकात में रिजल्ट के लिए। अब तो खैर हमें तो वैसे भी साइंस के थ्रू भी इतनी सारी मल्टीपल रिसर्चेस हैं इन चीजों के बारे में, इसमें तो अगर बिजनेस को मल्टीप्लाई करना हो तो मॉर्निंग्स में ज्यादा इन्वेस्ट करें, बिल्कुल करें, और अल्लाह ताला को जैसे बड़ी अच्छी बात है कि अल्लाह ताला को अपना अगर आप दो पार्टनर हैं तो अल्लाह का थर्ड पार्टनर बना लें, और अगर चार है तो पांचवा पार्टनर बना लें, और अल्लाह को अपना पार्टनर बनाए और वो इनकम लाजमी किसी बेवा के लिए, किसी यतीम के लिए या दीनी खिदमत के लिए, ताकि यह है कि हो सकता है कि उस बेवा या उस यतीम या उस दियावत काम की वजह से आपको अल्लाह रिज़्क़ देते हैं इंशाल्लाह। और लाहौर में हमारे एक भाई हैं, नाम नहीं लूँगा, रिया हो जाएगी जाहिर है, वो मेरी आंखों देखा वाकया है, कुछ उलमा हैं उनमें से कुछ ब्लाइंड, एक आलिम है वो ब्लाइंड आलिम है, लेकिन ही टीचेस मिशकात, कैन यू बिलीव इट, एंड ही स्पोर्ट्स दैट आलिम, और उससे इतनी बरकत आई है उनके पैसे में, इतनी बरकत आई है, इट्स हिज मिशन टू सपोर्ट, मतलब ये आपको पता है उलमा ऐसे हैं जो अफोर्ड नहीं कर सकते रोज़मर्रा के खर्चात, लेकिन दीन की खिदमत कर रहे हैं,
तो ही हैज मेड हिज मिशन टू सपोर्ट देम एंड आई हैव सीन सो मच बरकत अगर इंटेंशन प्योर है ना हमारी इंटेंशन किबला ठीक है फिर रिस्क देगा और रिस्क कमाने का मजा भी आएगा और फायदा भी आएगा ठीक है लेकिन अगर भैया कि मैं बस बहुत ज्यादा पैसे कमा लूं और पर्पस ऑफ व्हाई डू यू वांट टू मेक मनी वाला सवाल बड़ा इंपॉर्टेंट है कि अगर आपने सिर्फ अपनी जात के लिए और जो शुरू में डिस्कशन की देन फिर गड़बड़े का बारक लफी के इख्वान लेट्स कॉल इट अ डे एंड गो टू बिजनेस ये अभी टाइम से अभी सोएंगे इसके बाद तो बारक लफी के इख्वान शहरी थैंक यू सो मच फॉर कमिंग हियर ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह ब्लेस यू अल्लाह ताला हम सब के लिए इसको बाबरकत बनाए और सुनने वालों को फायदा के नफा पाए बारक लफी को अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह।